ब्रह्मा और विष्णु आपस में, जब ब्रह्मा जी बोलते मैं बड़ा हूँ, विष्णु जी बोलते मैं बड़ा हूँ, उनका युद्ध शांत करने के लिए यहाँ पे माता पार्वती और भोलेनाथ खुद प्रकट हुए थे। अच्छा, क्या नाम है आपका? रामलाल। राम? रामलाल। अच्छा, रामलाल। हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम है अंकित सांडलिया और आप देख रहे हैं अंकित सांडलिया ब्लॉग। आज सैटरडे है, वीकली लीव था बैंक में, तो मैं आ गया घूमने के लिए। और मैं अभी जहाँ पे हूँ, ये मेरे पीछे महादेव का मंदिर है। जैसे कि जानते हैं, मैं महादेव का भक्त हूँ और सारे लोग ही भक्त होते हैं महादेव के। और ये जो मंदिर है, विश्व में एक अनोखा मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे जो शिवलिंग है महादेव का, ये दो भागों में बटा हुआ है। इसे अर्धनारेश्वर शिवलिंग भी कहते हैं और ये एक कांगड़ा ज़िले में है, जो कि हिमाचल में पड़ता है। मिर्थल नामक गाँव है, यहीं पर ये शिवलिंग है। और यहाँ से ना, मतलब बहुत से लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। और ये एक अनोखा शिव मंदिर इसलिए है क्योंकि यहाँ जो शिवलिंग है ना, दो भागों में बट जाता है। अभी ठंड है तो ये जो शिवलिंग दूसरा भाग जो बटा है ना, थोड़ा इसकी दूरी जो है कम हो जाती है ठंड में। और गर्मी आते आते, मतलब नक्षत्र कह सकते हैं, नक्षत्र के ग्रह नक्षत्र की वजह से ना, ये इसकी दूरी घटते बढ़ते जाती है। और जो 5 से 7 फीट का जो शिवलिंग है ना, 5 फीट के आसपास जो है, वो माँ पार्वती के नाम से जाना जाता है, मतलब माँ पार्वती के नाम से उसको पूजा जाता है। और जो बड़ा वाला शिवलिंग है, जो कि 7 से 9 फीट का है, वो महादेव का शिवलिंग है। और ये मंदिर ना हजारों वर्ष पुराना है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको इस मंदिर की विशेषता क्या क्या है। मैं भी पहली बार ही आया हूँ और देखते हैं यहाँ पे, मतलब शिवरात्रि में तो क्या ही कहना, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ये डायरेक्ट हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मतलब मेन मंदिर की तरफ? यहाँ तो दूर दूर से लोग आते होंगे। आज सैटरडे है तो, अच्छा, हिमाचल नहीं, पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पे ही है क्या? अच्छा, मतलब यहाँ पे हिमाचल, पंजाब और जम्मू से भक्त आते हैं, महादेव के जो भक्त हैं। और आज भीड़ थोड़ा कम इसलिए है क्योंकि आज शनिवार है। ऑफकोर्स मंडे को तो, मतलब क्या ही कहना, कितनी भीड़ होती होगी। ये हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। ये रहा शिवलिंग, नीचे तक है, मतलब इतना ऊपर आया हुआ है। स्वयंभू प्रकट अर्धनारेश्वर रूप, आधा भाग माता पार्वती का, आधा भाग भोले शंकर का, जो उनके बीच में गैप है, जो जुड़ता महाशिवरात्रि। गर्मियों में लगे हो जाते हैं और सर्दियों में जुड़ते हैं। ये कितना पुराना मंदिर? ये जी 3 युग के टाइम। अच्छा, हाँ जी, अपने आप प्रकट, स्वयंभू प्रकट अपने आप। यहाँ पे जो महादेव के भक्त हैं, अर्धनारेश्वर के जो भक्त हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं? ऑल इंडिया, पंजाब से, हरियाणा, हिमाचल से, सभी, ऑल इंडिया से, बाहर से भी आते हैं। अगर मुख्य रूप से जो यहाँ पे पूजा होती है शिवरात्रि की, हाँ, शिवरात्रि को 4 बार की पूजा होती है। अच्छा, उस समय बहुत भीड़ होती बहुत है। कितनी पुरानी है ये मंदिर? ब्रह्मा और विष्णु आपस में, जब ब्रह्मा जी बोलते मैं बड़ा हूँ, विष्णु जी बोलते मैं बड़ा हूँ, उनका युद्ध शांत करने के लिए यहाँ पे माता पार्वती और भोलेनाथ खुद प्रकट हुए थे।
अच्छा हाँ जी, जो इनकी मान्यता है ये है जुड़ते हैं यहाँ से, अभी इनका थोड़ा सा गैप कम, इसीलिए इस शिवलिंग को अर्धनारेश्वर कहा जाता है। आधा भाग माता पार्वती का, आधा भाग भोले शंकर। यहाँ के काफ़ी अच्छा फील इसलिए भी हो रहा है क्योंकि यहाँ एक तो लोग दर्शन के लिए आते हैं, मंदिर शिवलिंग का दर्शन करते हैं जो कि पार्वती माँ और शिव जी का प्रतीक है। उसके बाद यहाँ पे आके मंदिर के पीछे में जो मंदिर का कैंपस है, यहाँ पे लोग आके घूमते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, पिकनिक जैसा माहौल है। बच्चे भी आके यहाँ पे खुश हो जाते हैं, झूला झूलते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, मतलब ये अलग ही फील है यहाँ का। मैं तो सोच रहा हूँ लगभग एक साल होने को है मुझे, मैं पहले क्यों नहीं आया था यहाँ पे। ड्रैगन, ड्रैगन जैसा ही कुछ है, सांप भी है। यही माहौल है। अभी हम लोग नीचे में ही थे और ये ऊपर से मंदिर का प्रांगण है, लंगर हॉल। आप देख सकते हो, मतलब ये इस तरफ का है, उधर भी है, यहाँ पे नल लगा हुआ, इधर कुछ काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का भी, है ना। तो बहुत दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु लोग आते हैं। ये हॉल है, यहाँ पे कोई बाहर से ना, मतलब जैसे शिवरात्रि हो गया कोई खास मौके पे, बाहर से यहाँ पे लोग, मतलब गायक कह लो, कलाकार कह लो, वो लोग आते हैं, भजन कीर्तन करते हैं यहाँ पे। और यही माहौल है, आप देख सकते हो, माँ सरस्वती लक्ष्मी और गणेश जी का फोटो लगा हुआ है। और यह है कैंटीन, प्राचीन शिव मंदिर सुधार सभा काटगढ़। कैंटीन में भी सारा कुछ अवेलेबल है। कुछ बजा के सुनाइए, बजा के सुनाइए ना कुछ। हाँ बजाइए। कहाँ घर है आपका? मेरा घर भाई। अच्छा भाई, अच्छा अच्छा। यहाँ पे मंदिर पे आप यही बजाते हैं कितने साल से? ये यहीं पे आके रोज बजाते हैं आप? हाँ, इसी साल में है। अच्छा हाँ, पांच ही महीने हो गए। अच्छा, मंदिर ये कब से है, कितने साल पुराना है मंदिर? सदी पुराना है। सदी पुराना है, मतलब हजारों वर्ष पुराना है, जो कहते हैं वो सच है। सत्य। क्या नाम है आपका? रामलाल। राम? रामलाल। अच्छा रामलाल, चलिए रामलाल जी। देखिए, यही मंदिर का मुख्य द्वार है, जिस द्वार से हम लोग दर्शन हेतु गए थे, अब हम लोग वापस जा रहे हैं।